हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय इंडियन फूड खजाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो इसके लिए हमने ये मैनेजमेंट लिया है। तो हमने 1 किलो गाजर जो हमने क्रश करके रखी हुई हैं, और ये हमने 1 कटोरी चीनी ली है, ये हमने 1 लीटर दूध का खोआ बना कर रखा है, और ये हमने 3 टीस्पून घी रखा है, और ये हमने काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये हमने पिसी हुई इलायची का पाउडर इसमें रखा है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को हम गैस पर रख देंगे। तो इसमें हम घी डाल लेते हैं। अभी हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। तो अभी हमारा ये घी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देते हैं। गाजर को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर 1 कटोरी इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए अभी हम ढककर रख देंगे। अभी हमारा हलवा इस तरीके से बन गया है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर और बनाएंगे। इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इसको थोड़ी देर और रखते हैं। अभी हमारा हलवा लगभग तैयार होने वाला है। तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये हलवा बनके तैयार हो गया। तो अब इसमें हम खोआ ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे और हमारा ये खोआ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये खोआ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा हलवा गाजर का बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने इसमें अब हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ये हमने बादाम और काजू ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो प्लीज़ दोस्त, तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें, और आपको हमारा गाजर का हलवा पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको हमारे इस गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।